आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। कटारी गांव में देखने को आए दिन मिल रही आईएएस के पिता की दबंग गई। मामला जामोद थाना क्षेत्र के ग्राम कटारी का है। गांव के पश्चिम में अपने चैक में जगदीश प्रसाद कौशल ने लगभग 2 से 3 वर्ष पहले नल और 2 कमरे का निर्माण कराया, जिसमें सीढ़ी को लेकर आईएएस के पिता ने अपनी प्रतिष्ठा बना ली। कई बार जबरदस्ती सीढ़ी को तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन जगदीश ने कोर्ट की शरण ली। मामला कोर्ट पहुंच जाने के बाद भी दिनांक 30 नवंबर को करीब 2 दर्जन लोगों को साथ लेकर जबरदस्ती सीढ़ी तोड़ने का कार्यक्रम जारी रखा। पीड़ित कक्ष को जब जानकारी हुई तब उन्होंने जामोद थाने के सीयूजी नंबर पर फोन करके अपनी समस्या को प्रभारी निरीक्षक को अवगत कराया, लेकिन प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने कहा कि आप 112 को डायल करके बता दीजिए। पीड़ित ने 112 को डायल करके अपनी परेशानियों को अवगत कराया। फिलहाल 112 नंबर की सेवा इनको कुछ ही मिनटों बाद मिली। पुलिस की गाड़ी को देखते ही आईएएस के पिता चंद्रमा कौशल व बाकी लोग वहां से भाग निकले, लेकिन पीड़ित को तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में फोटो सारी हकीकत बयां कर रही है। यही नहीं, इसके पहले भी कौशल बिरादरी के 2-3 लोगों को बुरी तरह से इन्होंने बेइज्जत किया, यहाँ तक कि जेल की हवा तक खिला दी। क्योंकि आईएएस के पिता हैं, इसलिए स्थानीय पुलिस भी इस मामले में रुचि नहीं दिखा रही है और आए दिन मामला पेचीदा होता जा रहा है। अमेठी से असद हुसैन की रिपोर्ट। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, ग्राम कटारी, पोस्ट कटारी, थाना जामो, जिला अमेठी का मैं निवासी हूँ। मैं अपने खेत में एक समरसेबल ट्यूबवेल करवाए हूँ, उसी के ऊपर जो है एक कमरा बनवाया है। कमरे में एक सीढ़ी बनवाई है जो कि लगभग 2 साल पहले की बनी हुई है। हमारे रोड के उस तरफ एक चंद्रमा प्रसाद हैं, वो आए दिन हमको परेशान करते रहते हैं और मेरी सीढ़ी जो है स्वयं आप फावड़ा लेके और कुछ अपने दबंग लोगों को लेके, जिसमें एक श्रवण कुमार वकील भी है जो इनके साथ में ही रहता है, वो भी जो है सब मिलके मेरी सीढ़ी को पूरी की पूरी तरह से तोड़ डाले हैं, क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। मैं बहुत पीड़ित हूँ। इस संबंध में आपने अभी तक किन अधिकारियों को सूचना दी, किससे शिकायत की? मैं माननीय थाना अध्यक्ष महोदय जी को जो है इस सूचना से अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि आप 112 नंबर पर डायल कर दीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। हम 112 नंबर पर डायल किए तो कुछ समय के बाद 112 नंबर गाड़ी आई, उसने देखा और देख कर बताया कि हाँ, वास्तव में तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है। फिर थाना अध्यक्ष महोदय जी से मैंने इस विषय में बताया और वो 112 नंबर वाले भी जो है बताए, तो कहा ठीक है, हम इसकी जांच करवा लेंगे। फिर हम FIR की एप्लीकेशन लेके गए तो महोदय जी ने बताया कि चूंकि ये आईएएस के पिताजी हैं, इसलिए हम जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप ऊपर जाइए।